चलो हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं, चलो बस यार ले बैठे सेल्फी। तो आज हम जा रहे हैं अपने मैक्स को छोड़ने और साथ में जा रहे हैं भाभी और ये हमारी ईशो टिली टिली। तो मैं पहुंच चुका हूँ अभी कसौली और इनके रूम से हम यहाँ से निकल रहे हैं अभी शाम। तो बड़े हैं बॉस और हमारे ऊपर देखो कितना सामान लाद रखा है। नहीं चलो चलते हैं और यहाँ से निकलते हैं हम अभी। मैं कसौली पहुँच गया हूँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले पहुँचा था यहाँ पे, तो साथ में ये था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया बीच में। तो अभी चलते हैं यहाँ से और हमारी गाड़ी खड़ी यहाँ पे नीचे। एक्चुअली मैंने गाड़ी अभी यहाँ लगाई थी, यहाँ लड़ाई हो गई थी बंदे से, तो बंदे ने मेरी गाड़ी हटा के नीचे लगवा दी है। तो फिर चलिए चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपसे रास्ते में। तब तक के लिए बाय 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 मैक्स। चले मैक्सी। तो हम पहुंच चुके हैं गलत रास्ते से, जिरकपुर में फंस गया हूँ मैं। हमने ऊपर जो दिखाई दे रहा है फ्लाईओवर, में यहाँ से जाना था और मैं जा रहा हूँ अभी नीचे से। मैप मैंने गूगल मैप गलत ले लिया है। ओ भाई 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 लग गई भाई 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 गाइस गाइस भाई, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आगे पीछे कैसे घूम रही है कुछ पता चल रहा है यार। तो हमारी इशूज हो चुकी है, अभी थोड़ा सा रास्ता क्लियर किया हमने और ये सो गई अभी से ही, तो इसको सोने देते हैं। मैक्स हमारा पीछे अभी वो तंग करे जा रहा है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जिरकपुर और अभी जा रहे हैं हम जयपुर की तरफ। अंधेरा हो चुका है पहले ही, तो मैं वीडियो में क्लियर नहीं दिखूंगा, तो इसलिए मैं पहले सॉरी फील कर देता हूँ आप लोगों से। तो अंधेरे में वीडियो आपको बताया कैसी बनती है। तो हम अभी जयपुर के रास्ते पर हैं ऑन द वे, तो चलिए मिलते हैं आगे आपसे। हम रुके हैं अभी पता नहीं कौन सी जगह है, पर हम रुके हैं अभी। और जो ऊपर जो हाईवे दिखाई दे रहा है ये NH 150D जो कि नया नया बना है अभी। और यहाँ इसके नीचे एक अच्छे अच्छे पॉइंट बने हैं, जैसे कि आई थिंक दस या ओए बस कर बस कर जैसे कि 10 या 12 किलोमीटर के बाद एक पॉइंट आता है, तो हम उसी पॉइंट पर रुके हैं। तो सामने रहा ये मसाला, तो हम यहाँ रुके अभी खाना खा लेते हैं और इसको भी खाना खिला लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे भी थोड़ी देर बाद, अभी रात के बज रहे हैं 11। तो गाइस जैसे आपको पता है कि हम जा रहे हैं जयपुर एक शॉर्ट ट्रिप पे, मैक्स को छोड़ने जा रहे हैं, वो आपको आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। ये हमारी पैकिंग है सारी। पैकिंग तो भी जैसे गंदा भाई दारा दे दूजा ही। चलो जो भी है, पर तब भी मतलब जो भी है थोड़ी बहुत टीली उतर जा नीचे बेटा गिर जाना सब कुछ है। इसमें चपातियां हैं और सब्जी आगे रखी है, अभी हम खाते हैं। तो थोड़ी देर बाद आपको मिलते हैं खाना खाने के बाद। कोई शक दी। हाय गाइस, आज हम आए हैं होटल, हम जा रहे हैं जयपुर पापा से मिलने। बाय बाय। बज रहे हैं और मैं पी रहा हूँ अभी चाय। और यहाँ से जयपुर है आई थिंक 175 मैंने देखा था अभी थोड़ी देर पीछे, तो 175 किलोमीटर यहाँ से भी जयपुर है। तो मैं रास्ते में चाय पी रहा हूँ अभी और चाय बनाई है बहुत टेस्टी। सामने है हमारे भाई साहब जिन्होंने चाय बनाई है यहाँ पे बेचारे, देखिए आप जैसे आराम से बैठे हुए और कैमरा मैन टीली सो चुकी है। इशू हमारे मतलब पीछे सोई है, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। एक्चुअली मेरे को भी थोड़ा ऐसा लग रहा था कि नींद आ रही है, आंखें भारी भारी हो गई थी। तो मैं पी रहा हूँ गर्मा गर्म चाय और मिलते हैं फिर आप सभी। बात कितने हो गया? तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं और पूरे 5 बज गए हैं और टीली सोई है मेरी यहाँ पे। नेक्स्ट तो भैया ले गए अंदर और हम ले जाते हैं इसको ज़रा। इशू चला जा बेटा, चल रहे अंदर हम फ्रेश हो लेते हैं और फिर सोना भी है, थोड़े सो भी लेते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़े टाइम बाद। हेलो। तो गाइस हम उठे हैं अभी सो के और हमने पेट पूजा कर ली है और यहाँ पे जो आते ही सो गए थे। तो कैसा लग रहा है आपको अभी उठ के? बच्चे हो।
और अभी भैया को मैं दिखा नहीं सकता। और ये रही हमारी टीली। और टीली नहीं बाहर जाना, बाहर बैठा, धूप है। तो गाइस यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब सहन करने लायक गर्मी नहीं है। और भैया अंदर है, हमको अभी दिखा नहीं सकते अभी, और ड्रेस में है, तो तब तक के लिए। और एक बंदा हमारा यहाँ पे पड़ा है मैक्सी। सो जा मेरे बच्चे, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पहले ही सो नहीं रहा है बेचारा। तो गाइस ये हमारा रूम है जहाँ पे हम, मैं सोया हूँ और भैया वगैरह भाभी वगैरह साथ वाले रूम में यहाँ पे सो रहे हैं। तो ये आर्मी वालों का गेस्ट हाउस है जहाँ पे हम रुके हुए भी। मैं आपको बाहर से दिखाता, पर अभी बाहर बहुत तेज़ धूप है, तो मैं शाम के टाइम बाहर जाऊँगा यहाँ से। तो मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। और ये आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक इंडिविजुअल वाले ने किचन दिया है जहाँ हम खुद ही खाना बनाएंगे, और झकास बढ़िया है चीज़ जो भी है। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। बाहर निकलना नहीं है गाइस, हमने लगा लिया है कूलर क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है अंदर। कूलर में डाल दिया है पानी और हमने गाड़ियाँ खड़ी करी है। धूप बड़ी बड़ी तेज़ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी हम बाहर नहीं जाएंगे यहाँ से। और आर्मी वाले भैया पहुँच चुके भाई डालता, तो चलिए अंदर देखते जरा ठंडी ठंडी हवा। तो भाई बंदा जा रहा है भैया के साथ उनके ऑफिस ही। पिछट पिछट कहाँ भाग रहा बात तू सारे हरामी हरामी कहाँ भाग रहा था चल। गिर जाएगी नीचे इशू, और गिलास भी गिरा देगी। तो इशू पी रही है गन्ने का जूस। इसको निकाल दे यार, इसको स्ट्रॉ क्यों निकाल दी इसमें। और यहाँ पे आनंद ले रहे पूरा गन्ने के जूस का। मैक्सी है हमारा। ओए मैक्सी सुनो, इसको यार सो रहा है, चल जल्दी पी ले फिर मिलते हैं। पढ़ती जा रही है, जब देखो अब बिल्कुल नहीं सुनती है। लगी शिकायत तेरी टीली, कर ले आओ बच्ची जी, आया मजा। पापा के सामने बोल कुछ बोलो। अब देखो आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है, दिखा तो मेरे को भी। खाली वाला गिलास उठाओ, उठा जल्दी जल्दी उठा, सुनाई दे रहा क्या बोला। आदेश मिल चुका है, अंदर रखे इसको फटाफट। आपका आज्ञाकारी शिष्य, शिष्या उठा जल्दी, क्या बोला। तो भाई सभी चलिए मेरी एडिटिंग, और फ्री टाइम में बैठा था से खाने तो मैंने सोचा एडिटिंग कर दूँ साथ में। तो खाना हमने बना लिया अभी, खाना खाएंगे कुछ दिन में। और इशू बाहर खिल गई है पापा के साथ अपने, मैं तो पहले तो अभी एडिटिंग करता हूँ और अपलोड करता हूँ। आई थिंक 3:30 या 4 बजे तक अपलोड हो ही जाएगा वो। तो एडिटिंग कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे ज़रा। बाहर चलते तो बाहर ऐसे भी हम घूमने भी, पर बाहर बहुत धूप है जिसके कारण हम बाहर नहीं जा सकते अभी।